और यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है विच इज ऑफ इंटरेस्ट जिसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं दैट इज दी एक्स वेरिएबल जो डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेस इन द सैंपल नाउ दिस एक्स विल एक्चुअली बी डिपेंडेंट ऑन सम पैरामीटर्स। एक्स ये जो वैल्यूज हैं पर्टिकुलर वैल्यूज ये स्मॉल एक्स हैं इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सैंपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन एंड एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर विच इज कैपिटल एम जो डिपिक्ट करता है नंबर ऑफ सक्सेस इन दी पॉप्यू कैन एक्चुअली डिराइव द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स विच इज सबसे पहले डिनोमिनेटर विल बी सिलेक्टिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स हमें सैम्पल सिलेक्ट करना है सो एन एंड सो दिस इज हाउ वी कैन सिलेक्ट देन अगर हमें x नंबर ऑफ सक्सेस सेलेक्ट करनी है तो हम यहां लिख सकते हैं m जो कि सक्सेस डिनोट करता है पॉपुलेशन में एंड यहाँ x बाकी जितना भी यूनिट बचेगा दैट कैन कम फ्रॉम द फेलियर सो n माइनस एम अपॉन स्मॉल n माइनस एक्स दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइपर जोमेट्रिक वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू है स्मॉल n इंटू कैपिटल m बाय कैपिटल n और वेरिएंस है

ये फैक्टर इज लेस देन वन द वैल्यू तो ये हाइपर जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और इस डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉलो आवर चैनल बियॉन्ड द क्लासरूम फॉर मोर सच कॉन्टेंट